अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है फ्राइडे और दिन भर सारा काम करने के बाद मैं नहा कर निकल चुकी हूँ। मैंने नमाज भी पढ़ ली और मिनाही को भी आज मैंने नहला दिया है। और मिनाही के पापा ऑफिस गए, हम लोग दोनों अकेले ही है घर पे। और बारिश का मौसम है, मुंबई में बारिश बहुत हो रही है और अभी 2 बजे ही मौसम लग रहा है बिल्कुल अंधेरा जैसा। तो आज मिनाही का ट्यूशन छुट्टी है, तो आज मिनाही को लेकर जाऊंगी। कहाँ, किसके घर लेकर जाऊंगी? चाची घर। तो मिनाही को लेकर चाची के घर जाऊंगी। तो बस अभी खाना निकाल कर बैठी हूँ और मिनाही को खिला रही हूँ। मिनाही का नाटक बहुत है, खाने में खाओ। तो खिचड़ी बनाया मैंने, हम लोग दोनों अकेले ही है तो इसलिए मैंने खिचड़ी बनाया। तो इसे खिचड़ी खिला रही हूँ और मिनाही के पापा शाम पे आएंगे, तो शाम में 5 बजे तक मैं भी जाऊंगी अगर बारिश नहीं होती रही तो। तो फ्रेंड्स, मैंने ना बहुत सारी चीजें ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से, तो आज भी एक पार्सल आया है। मुझे मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या है, तो मैं इसे ओपन करके देखती हूँ। ऐसे अभी बिग बिलियन डे सेल लगा था तो कुछ ऑर्डर किया है मेरे हस्बैंड ने, तो देखती हूँ कि इसमें क्या है। वाह, थैंक यू मम्मी, सुना आपने। तो ये मिनाही के लिए पाउडर है, मैं इसे हिमालय पाउडर यूज लगाती हूँ, हिमालय ही यूज किया है मैंने शुरू से। तो बस मिनाही का पाउडर था, अभी और भी बहुत सारी चीजें आने वाली, स्ट्रेटनर, कर्लर और क्रिम्पर मंगाया है और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे याद नहीं है। तो ये मिनाही का पाउडर आ गया है ना मिनाही? हाँ। लगाओगी? लगा दूं? बाद में लगा दूंगी, ओके। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को दिखाई रही थी कि दूसरा ऑर्डर आने वाला है और देखिए आ गया दूसरा पार्सल। 2 पार्सल आया है, ये अभी तुरंत ही आया है जब आप लोगों को दिखा रही थी तब। तो देखती हूँ कि इसमें क्या है। इसमें क्या है? बॉक्स है। बॉक्स है, बॉक्स में क्या है? अच्छा, तो इसमें मैंने स्ट्रीक्स का, इसमें मैंने ये मंगाया था हेयर सीरम। तो ये आया है, ये आया है। और भी कुछ है? है। अच्छा, 2 हेयर सीरम है, तुम्हारे पापा ने 2 मंगाए हैं। वो हर चीज 2 मंगा देते हैं या उससे ज्यादा, एक बोलू तो। और इसमें देखती हूँ कि इसमें क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट से ये आ ही गया, अभी मैं बात ही कर रही थी क्रिम्पर का। ये 3-in-1 है इसमें, तो ये वेगा का है। ये मुझे पड़ा था ध्यान नहीं, ये शायद 1800 में पड़ा है शायद, मुझे लगता है ऐसा। मेरे हस्बैंड ने ही ऑर्डर किया था, तो मैं इसे ओपन करके देखती हूँ। ये 1999 है, 1999 मतलब 2000 का, लेकिन ये 1800 में पड़ा है मुझे। आया मम्मी। तो देखिए, ये है क्रिम्पर, ये है कर्लर और आई थिंक सॉरी, ये स्ट्रेटनर है, ये क्रिम्पर है और ये है कर्लर। तो इसे मैं अभी यूज नहीं करूंगी, जब यूज करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो बस यही सारी चीजें आई है फ्लिपकार्ट से, अभी इन सब चीजों को रख दूंगी। नमीनाई मत करो बदमाशी, अभी बज रहे हैं 4-5 बजे का और बारिश नहीं होगी तो मैं बाहर जाऊंगी, अभी इन सब चीजों को मैं अच्छे से रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, नहाकर मैंने बाल नहीं झाड़ा था और ये स्ट्रीक्स का सीरम मैंने मंगाया है, तो ये यूज करके देखती हूँ मैं। तो ये बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, इससे आपके बाल में लट जो लगते हैं और उससे बाल टूटते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा है। पहले भी मैंने इसे यूज किया है, एक और मैंने बायोटिक का भी मंगाया था, तो बस इसे अपने स्कैल्प पे लेकर इस तरह से लगाना है और आसानी से फिर आपके बाल कॉम में आ जाएंगे, आप झाड़ सकते हैं, बाल में लट नहीं लगेंगे। तो इससे पहले मैं अपने हेयर में लगा लेती हूँ, ये बहुत अच्छा है, आपके बाल को शाइन भी करता है, शाइन भी रहती है बाल में देर तक और स्मेल भी इसका बहुत अच्छा है। तो बस हमें इसे अपने बालों में अच्छे से लगा लेना।
तो फ्रेंड्स मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया वेगा का ये 3-in-1 हेयर कर्लर है। तो देखिए इसके फीचर्स मैं आपको बताती हूँ। ये कॉर्ड है, अगर आप राइट साइड करके बनाना चाहते हैं तो ये चारों तरफ हो सकता है। और ये इसमें क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये हेयर कर्ल के लिए हेयर कर्लर है और ये स्ट्रेटनर है और ये दूसरा क्रिम्पर है। तो अगर आपको क्रिम्प सिर्फ कर्ल करना है तो आपको क्या करना है, इसे ऐसे प्रेस करना है और ये जो इधर बटन है इसे पुश करना है तो ये लॉक हो जाएगा। और फिर अगर आपको पिन करना है तो इसे पुश करेंगे ये ऑन हो जाएगा, उसके बाद सॉरी पुल करेंगे। तो उसके बाद अगर आपको क्रिम करना है तो आप इसे ऐसे प्रेस करेंगे और ऐसे पुश करेंगे तो बस देखिए ये लॉक हो गया। तो इधर से आप क्रिम कर सकते हैं। और इसमें मैं बताती हूँ कि क्या है, ये हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, वुमेन ट्रिमर, लेडीज। तो स्ट्रेटनर क्रिम्पर कलर है, मेड इन इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया 3-in-1 हेयर स्टाइलर है। और इसका प्राइस भी मैंने आपको बताया था कि 1800 का कुछ है। तो और ये सिरेमिक कोटेड प्लेट्स है फ्रेंड्स, तो इसे आपका बाल ज्यादा डैमेज नहीं होगा, हीट प्रोटेक्ट है, ये सिरेमिक प्लेट्स है तो इससे ज्यादा बाल डैमेज नहीं होते। तो मैं इसका कोड भी ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छा है और ज्यादा लंबा भी है, देख सकते हैं आप, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। और इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर आप अपना हेयर ऐसे कर्ल कर रहे हैं तो आप, और सब कलर में होता है कि आप ऐसे ऐसे पकड़ कर प्रेस कर सकते हैं, लेकिन आप इसे नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये भी हीट हो जाता है ऊपर का एरिया, और क्योंकि ये इसमें ये भी है कलर भी है तो इसलिए ऊपर का एरिया भी हीट हो जाता है, इसलिए आप इसे नहीं, आप इसे पकड़ के जरूर कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप ये करेंगे तो ध्यान जरूर दीजिएगा ऐसे पकड़कर। तो मैं इसे पहले करके देखती हूँ। देखिए ये है ऑन और ऑफ का, ये ऑफ और ये ऑन का बटन है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसे ऑन कर लेती हूँ। देखिए ऑन करने के बाद इसमें एक रेड कलर का ये लाइट जलेगा कि ये ऑन हो गया है। तो मेरे बाल तो स्ट्रेट है ही, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़े से बाल स्ट्रेट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये क्रिम्पर मैं लॉक कर लेती हूँ और स्ट्रेटनर ऑन कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इससे पहले इसमें ये लगा लिया है सीरम, हेयर सीरम, तो आप हीट प्रोटेक्ट सीरम वगैरह लगा लीजिए उसके बाद कीजिएगा। और ये जैसा कि मैंने आपको कहा ये ज्यादा हीट नहीं करता, तो देखिए मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है और देखिए ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है और काफी जल्दी हो गया है। अब मैं आपको कर्ल करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं इससे कर्ल करती हूँ, तो अभी हमें पहले से लॉक कर लेना इसे, हमें देखिए ये लॉक हो गया है और अब मैं आपको कर्ल करके दिखाती हूँ। वैसे ये कर्लर मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी यूज नहीं किया है। तो ध्यान से फ्रेंड्स, क्योंकि इसका ऊपर का हिस्सा भी हीट होता है तो आप इस पे हाथ मत लगाइएगा, ये गर्म होता है। और बी केयरफुल गाइस, वरना आप जल सकते हैं। और आप अपने हेयर को, ईयर को भी ध्यान दीजिएगा कि इस पे ना लगे। तो अभी हम काउंट करते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए फ्रेंड्स तो ये कर्ल बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। अब मैं क्रिम करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड देखिए ये क्रिम्पर है, मैंने हेयर स्ट्रेटनर को लॉक कर दिया और अभी से क्रिम कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये भी मैं पहली बार कर रही हूँ, तो सामने के बाल में कर रही हूँ तो आप ध्यान से कीजिएगा प्लीज।
देखिए फ्रेंड्स, ये क्रीम हो गया है, तो इसका ये फायदा है फ्रेंड्स, आप जरूर इसे मंगाइए, गो फॉर इट। तो आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये 3-in-1 है, अगर आपको कहीं पे भी जाना है फंक्शन वगैरह में, कहीं दूर शादी वगैरह में, क्योंकि आपको फिर स्ट्रेटनर अलग से, क्रिम्पर और कर्लर लेकर जाना पड़ेगा, तो ये आपके एक बैग में आसानी से आ जाएगा। और ये बहुत अच्छा, अभी मैंने आपके सामने ही करके देखा है, तो आप कभी भी कहीं पे भी जाने के लिए आसानी से कर सकते हैं अलग अलग तरीके का स्टाइल। तो देखिए ये क्रिम्प हुआ है, मैं और अच्छे से करूँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये अच्छा लगा मुझे, ये वेगा का है देखिए, और आप इसे अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और इसका प्राइस 2000 है, लेकिन ये ऑफर में मिलेगा आपको, देख लीजिए, ज़रूर मंगाइए। 2 इयर्स वारंटी भी है इसकी, इसकी वारंटी कार्ड इसके अंदर है फ्रेंड्स, तो हमें और क्या चाहिए, 2 इयर्स वारंटी है। तो और 1 बटन 2 स्विच 2 एनी स्टाइल, 1 बटन है स्विच के लिए, एनी स्टाइल के लिए, कि सीरमिक कोटेड प्लेट्स है तो ज़्यादा हीट भी नहीं है। तो ये मुझे पसंद आया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा था, मैं अब कभी मैं कहीं जाऊंगी तो करके आपको दिखाऊंगी। वेट, दोनों ब्लू दादी भी और मिनाहिल भी ब्लू ड्रेस। और देखिए फ्रेंड्स, आते आते मैंने खिचड़ा लिया है, जिसे वहाँ पे हलीम कहते हैं और मुंबई में कहते हैं खिचड़ा, तो उस दिन मैंने देखा था, आपको वीडियो में दिखाया भी था, तो आज मैंने खरीद लिया, देखती हूँ ये कैसा टेस्ट इसका लगता है। मिनल तुम खाओगी ना? ठीक है, इधर आप। मिनाहिल ने कहा कि मुझे वड़ा पाव खाना है, बताइए तुम्हें किसने सिखाया मिनाहिल वड़ा पाव? नहीं लेगा, आ जाओ। मिनाहिल अपनी दादी के साथ खेल रही है ना? मिनाहिल बॉल देख लिए, चलो देख लिए जाओ। हॉकी देखिए फ्रेंड्स, चाची ने ये बनाया है, पोई साग होता है, आप लोगों को पता नहीं कि मुझे मालूम नहीं, बहुत लोगों को नहीं भी मालूम होगा, तो ये पोई साग का चरपा बना है। खाओगी मिनाहिल? आलू डालकर, और ये पोई का साग है, चावल का आटा है, हम लोग चरपा बनाते हैं, तो बस वो मैं खा रही हूँ, मिनाहिल को भी खिला रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये चाची के हाथ की चाय है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तुम्हें भी चाय खाना है, और फ्रेंड्स मिनाहिल को चाय पीना नहीं खाना है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं घर आ गई हूँ, बाहर बहुत बारिश हो रही थी तो हम लोग रास्ते में ही रुक गए थे, मेरी चाची भी आई थी साथ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज उनका चिकन कोरमा खाने का मन है, तो मैं चिकन लेकर आई हूँ और कोरमा बनाने जा रही हूँ, दाल वगैरह भी खत्म हो गए थे तो वो भी लेकर आई हूँ, और बस अब जा रही हूँ चिकन बनाने की तैयारी करने। हटो, चलो। तो अभी मैं चिकन बना, तो देखिए फ्रेंड, चिकन कोरमा के लिए मैंने 1/2 kg चिकन वॉश कर लिया है, और अब इसमें मैं 1 tablespoon ऐड कर रही हूँ जिंजर का पेस्ट यानी अदरक का पेस्ट, और 1 tablespoon ऐड कर रही हूँ मैं गार्लिक का पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट। मैं थोड़ा सा इसमें लहसुन का पेस्ट और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे मैरिनेट करूंगी, उसके बाद इसमें ऐड करूंगी मैं ये कर्ड। ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। तो फ्रेंड्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, तो मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सा मैं इसमें पाउडर मसाला ऐड करती हूँ। तो देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा बस ये काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा काली कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं अभी पूरा ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मैं मसाला भूनने के टाइम और ऐड करूंगी, तो मैं इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब मैं इसे मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद मैं जा रही हूँ प्याज, 4 प्याज मैं इसे छील लूंगी, छील कर काट लूंगी, महीन काटना है बिल्कुल फाइन स्लाइस में, उसके बाद फिर मैं इसे फ्राई करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था, आपको अच्छे से काटना है, और उसके बाद मैंने इसे तेल में डाला, अभी मैं उसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करूंगी अच्छे से, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पानी में काजू बॉईल होने के लिए रख दिया, और इसमें अखरोट भी है, अखरोट बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने अपनी मर्जी से ऐसे ही डाल दिया है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो अभी इस प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज अच्छे से लाल हो गया, अब मैं इसे निकाल देती हूँ, ज्यादा देर रखूंगी तो ये जल जाएगा, तो अब इसका तेल छान के मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से निकाल लिया, आप किसी टिश्यू पेपर में या किसी भी पेपर में इसे करके रखिएगा, और ये जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फिर
ग्राइंड कर लूंगी, इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्याज निकाल लिया था और उसी तेल में मैं ये गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। एक कार्डिमम है, दालचीनी, और एक बड़ी इलायची है, दो छोटी इलायची है, और लौंग है, थोड़ा सा शहजीरा है। तो इसे डालने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। तो अब जो ये मैरिनेटेड चिकन था फ्रेंड्स, मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन मैंने इसमें डाल लिया। अब थोड़ी देर मैं इसे हाई फ्लेम में भून लूंगी। भूनने के बाद थोड़ी देर देखिए ये मिक्स हो गया, हल्का सा मैंने इसे भून भी लिया। अब मैं इसका फ्लेम को लो कर दूंगी और इसे कुक होने दूंगी, 70% तक कुक होने हो जाने दूंगी। तो अभी मैंने इसे लो फ्लेम में रख दिया है। इसका जो चिकन का पानी निकलेगा और दही का, ये इससे गल जाएगा, हमें इसमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं जा रही हूँ इस प्याज को ग्राइंड करने। तो ये प्याज मैंने फ्राई किया था, इसके साथ ये नारियल है, सूखी नारियल डलती है इसमें, लेकिन मेरे पास नारियल नहीं है सूखी, तो ये गीली वाली नारियल है, कच्ची वाली। तो मैं इसके साथ इसे फ्राई करूंगी, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने काजू थोड़ा बॉईल किया था, तो इसका पानी निकालकर मैं इन सब चीजों को साथ में ग्राइंड कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज मैंने ग्राइंडर में रख दिया है, ग्राइंडर के जार में, और ये है काजू, और ये है थोड़े से नारियल। अगर आप चाहे तो नारियल को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं नारियल डाल के बना रही हूँ। तो अभी मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेती। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राइंड हो गया, मैंने इसमें पानी डालकर ग्राइंड किया, लेकिन मैं इसे ज्यादा पानी नहीं डालूंगी, बस ऐसे ही यूज करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुक हो चुका है चिकन अभी 70%, और इसमें मैंने 3 हरी मिर्च ऊपर से ऐड किया। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ चिकन, तो देखिए ये पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये जो ग्रेवी मैंने बना कर रखा है प्याज का, ये। इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा सूखा मसाला और ऐड करती हूँ, क्योंकि आपने देखा था मैंने ज्यादा मसाला नहीं डाला है। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कलर नहीं डाला है इसलिए कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद फिर इसे मिक्स कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये रेडीमेड मसाला लिया था चिकन कोरमा का, तो इसमें 1/2 kg चिकन है, इसलिए मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, इतना सा इसमें छोड़ दे रही हूँ, और इसे मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं वो मसाला इसमें ऐड करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें से थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड करती हूँ, क्योंकि चिकन कोरमा मसाला ऑलरेडी मैंने ऐड किया था। अब इसमें थोड़ा सा और सॉल्ट डालते हैं, फिर इसे मिक्स करते हैं। तो देखिए इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे हाई फ्लेम में भून लूंगी जब तक इसका मसाला तेल ना छोड़ दे। तो इसे भूनने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मिनाइल के पापा ने उसे लिपस्टिक लगा दिया। किसने लगाया, क्यों लगाई? लाइए इसको मारेंगे। क्यों लगाई? तुम्हारे पापा को मारेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। मारू? क्यों लगाई वो लिपस्टिक? गलती से लग गया। सो सॉरी माय बेबी। मिनाइल के पापा भी अभी आए हैं। अमिनाइल मुझे कह रही कि मम्मा एमा दो, एमा एमा मांग ली, एमा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है फ्राई और अच्छे से ये भून चुका है। तो ज्यादा इसे मैं नहीं भूनूंगी, क्योंकि ये प्याज लाल किया हुआ था, और मैंने अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो पानी मैंने गर्म करके पहले से ही रखा है, तो अब मैं इसमें कितना कंसिस्टेंसी रखना है उसके हिसाब से फिर मैं उतना पानी डालूंगी। तो अभी इतना पानी डालकर मैं देखती हूँ मिक्स करके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें ज्यादा पानी ऐड नहीं करूंगी, इसका कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ा थिक ही रखना है। तो बस इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब एक बॉईल आने के बाद मैं इसे अभी ढक दूंगी। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो फ्लेम को हल्का सा लो करके पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बंद कर दूंगी। तो अभी मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करी, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते। तो अभी मैं इसे ढक देती हूँ। इसका लिड मेरा टूट गया फ्रेंड्स, इसके वजह से मैं ये प्लेट ढक रही हूँ। अभी मैं इसका फ्लेम हाई कर देती हूँ, थोड़ा सा इसे हाई फ्लेम में पका देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे ओपन करके देखती हूँ, तो ये फ्रेंड पक गया है। मुझे इसका कंसिस्टेंसी इतना ही ठीक रखना है, और वैसे भी कोरमा मुझे थोड़ा थिक ही कंसिस्टेंसी वाला पसंद। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दिया था मैंने, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा कोथमीर ऐड कर देती हूँ ऊपर से, और ये बनकर टेस्ट ही तैयार है।
और फ्रेंड्स मिनाइल को आइसक्रीम खाना और मैंने बोला कि ठीक है ला के दे, जिसके पापा बोले कि तुम रखो मैं लेकर आ रहा हूँ, तो ये बोलती मुझे भी जाना है और इतनी बारिश हो रही है बाहर, 11 बज रहे रात, तुम रहो मैं लेके आ रही हूँ, ठीक है तुम सो जाओ अब। तो देखिए फ्रेंड्स मिनाइल तुरंत ही सो गई है, उसे नींद आती है तो वो रोने लगती है। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर क्लोज करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।